शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और कितना गिरती जाएगी तू कीर्ति? पहले तूने यहाँ अपने दोस्तों को घर पे बुलाकर पार्टी प्लान की, फिर देर रात तक शोर मचाकर सबकी नींद खराब की, और तो और तूने अभय तक का काम खराब कर दिया। मुझे हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तू कर क्या रही है। दर्द हुआ ना जब हम आपके पति के खिलाफ गए। हम चाहते थे कि आपको महसूस हो कि हमें कितना दर्द हुआ जब हमने देखा कि आप वरुण जी को हमारे खिलाफ भड़का रही हैं। हाँ, हमें पता है कि आप वरुण जी के साथ मिलकर हमें इस घर में रोकने की कोशिश कर रही हैं। तभी तो इतने दिन से दिखा रही थी कि कैसे आप हमारा साइड ले रही हैं। प्यार से वो नाश्ता बनाना, अरे मम्मी जी ने तो अपनी पुश्तैनी हार हमें दे दी। ये सब झूठ, नाटक, ड्रामा था। और आपको आपको शर्म नहीं आई हमारे साथ ऐसा करते हुए? शर्म? किस बात की शर्म? कीर्ति, तू अपने स्वार्थ में इतनी ज्यादा अंधी हो गई है, तुझे ताई जी, ताऊ जी, इन सब का दर्द भी नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि वरुण जी के परेशानियों का शिकन भी नहीं देख पा रही है तू। है स्वार्थी हम? है हम स्वार्थी तो क्या? और क्यों ना हो स्वार्थी? कोई बदल रहा है हमारे लिए जो हम बदले किसी के लिए? दीदू, एक चीज सुन लो, अब आप बस देखती जाना कि हम इस घर में क्या क्या करते हैं। तुझे जो करना है वो कर, लेकिन एक बात याद रख, तू इसमें कोई भी तेरा साथ नहीं देगा, ना ये परिवार टूटेगा और ना ही तू इस घर को छोड़ के जाएगी। बदलना तुझे पड़ेगा कीर्ति। आपने ये बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी दीदू, क्योंकि हमें ना सुनना पसंद नहीं है। श्रद्धा, आजकल ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं तुमसे मिलता हूं तो माफी मांग रहा होता। मैं कीर्ति की गलतियों के लिए। वरुण जी, कीर्ति की इस गलती के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। गलतियों के लिए जिम्मेदार नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तो जिम्मेदार हूं ना। मैंने उसे समझाया है, हम शो कि अब वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी, मेरा विश्वास करो। आपका यह विश्वास बहुत जल्दी टूट जाएगा वरुण जी। मैं अपनी बहन को बचपन से जानती हूँ। अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चली जाएगी। तो अब हमें तैयार होना होगा उस तूफान के लिए जो रास्ते में है। श्रद्धा, पर आटे ले आ जल्दी। श्रद्धा, अरे श्रद्धा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तू ऐसे चिल्लाते हो आ रही है? अरे श्रद्धा, तुम ना जल्दी नीचे चलो, तुम्हारी बहन कल रात से अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। क्या? हे भगवान! अरे मुझे अभी ऋतु बुआ ने बताया है कि वरुण भी कल रात से हॉल में है और अंकल आंटी भी परेशान हुए जा रहे, चिंता में आधे हो जा रहे। तुम चलो, चलो ना, तुम्हारी बहन से तुम्हारी सुनती है, चलो। श्रद्धा जाओ, जल्दी जाओ। भगवान, ये तो रोज का ड्रामा हो गया है। मतलब तमाशे नीचे होते हैं और शांति यहाँ की भंग होती है। कीर्ति, मुझे सचमुच बहुत घबराहट हो रही है। प्लीज दरवाजा खोलो, कीर्ति।
कीर्ति प्लीज दरवाजा खोलो, कीर्ति प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। देखिए ना कीर्ति दरवाजा ही नहीं खोल रही, कहीं उसे कुछ। कीर्ति वरुण की हालत हमसे देखी नहीं जा रही है। आ ताजी। अरे भाभी संभालिए अपने आप को। कैसे संभाले हम अपने आप को तनुजा? कीर्ति ने कल रात से कुछ खाया पिया नहीं, कहीं उन्हें कुछ, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे तनुजा। हम बात करते कीर्ति से। कीर्ति महाराम से। कीर्ति कीर्ति दरवाजा खोलिए, देखिए बाहर हम सब कितने परेशान हैं आपके लिए। कीर्ति कीर्ति हमसे तो बात कीजिए आप। पता नहीं क्या हो गया कीर्ति को, मुझे लगा था कि कल रात से मुझसे नाराज है, आज जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो दरवाजा खोल देगी, पर वो श्रद्धा तुम बात करो ना उससे, तुम्हारी बात वो मानेगी। कीर्ति कीर्ति दरवाजा खोल, मैं हूँ दीदू। कीर्ति यहाँ सब बहुत परेशान हो रहे, दरवाजा खोल। कीर्ति कीर्ति दरवाजा खोल, कीर्ति प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल कीर्ति। अरे भाभी संभालिए अपने आप को, हमको तो आपकी फिक्र हो रही है, आपकी बहू को कुछ नहीं होगा हम कह रहे हैं। वरुण बेटा ऐसे दरवाजा खटखटाने से कुछ नहीं होने वाला, दरवाजे को धक्का मारने की कोशिश करो। अबे कीर्ति आंखें खोलो प्लीज, ये श्रद्धा, श्रद्धा क्या हो गया इसको? कीर्ति कीर्ति उठ, कीर्ति कीर्ति उठो, तुम ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? क्या हो गया कीर्ति को, हे भगवान। कीर्ति 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 उठो। आरती जल्दी जाके पानी ला। जी मम्मी। कीर्ति मैं डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ। ये क्या हो गया इसको? इन्होंने कुछ खाया है? नहीं डॉक्टर, खाना तो दूर, मेरे ख्याल से कल रात से इसने पानी भी नहीं पिया। इसी वजह से इनका बीपी लो हो गया है और ये बेहोश हो गई है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, जैसे ही होश में आए प्लीज इन्हें कुछ खिला दीजिएगा। जी थैंक यू। मैंने बाहर तक छोड़ के आता हूँ। कीर्ति भाभी के साथ साथ पूरे घर वालों की भी हालत क्या हो गई है? कीर्ति को होश आ रहा है। तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी स्वीटू, माता रानी का शुक्र कि अब तुम ठीक हो और मेरे पास हो। अब ठीक हो? हमें दीदू से अकेले बात करनी है। आप लोग सब प्लीज बाहर चले जाइए और जाते वक्त दरवाजा बंद कर दीजिए।
किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।